इस वक्त यो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आतंकवादियों के पनाहगार हैं, जिन्होंने जो है वो आतंकवादियों को शरण दी थी और आतंकवादियों के गाइड बने थे। और मैं आपको बता दूं कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर डोडा पुलिस ने आतंकवादियों के पनाहगार को गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो आतंकवादियों के पनाहगार हैं, आतंकवादियों को पनाह दी थी। आप देख सकते हैं ये डोडा पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक और तस्वीर हमारे पास पहुंची है। अब बताया जा रहा है कि तीन आतंकवादियों के पनाहगार को डोडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में है, खाते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन देश के साथ गद्दारी करते हैं और देश की जनता के साथ गद्दारी करते हैं और निर्दोष लोगों के हथियारों का साथ देते हैं। यानी कि रहते जहां पर हैं, खाते जहां पर हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि निर्दोष लोगों के हथियारे बनते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो व्यक्ति हैं। डोडा पुलिस ने ये इन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की है, खाने से लेकर रहने तक की जो है वो सुविधा इनको प्रदान करते थे। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दो व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ ये तीसरा व्यक्ति आप देखेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो डोडा पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, और तीन लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था। आपको मैं बता दूं कि पिछले डोडा में जो है वो हमला हुआ था, वहां पर ये पनाहगार हैं आतंकवादियों की, जो है वो इन्होंने मदद की थी और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के तीन से चार जवान जो है वो घायल हुए थे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं कि पिछले 9 जून को शिवखोड़ी कंडा क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया था और उसमें 3 साल का मासूम सा बच्चा भी था और 9 लोगों की जो है वो उन आतंकवादियों ने जान ले ली थी और 41 से 42 लोग घायल हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की तरफ से व्यक्ति जिसका नाम हाकम दीन है और रहने वाला बंदराई क्षेत्र का है, जिला राजौरी के रूप में इसकी पहचान हुई है, प्रशासन ने जो है उस व्यक्ति को धरपकड़ लिया था और हिरासत में लिया था और उसे जो है वो पुलिस ने मीडिया के सामने भी पेश किया था और उसका नकाब, तब उसमें नकाब जो है वो पहना हुआ था और हर कोई जो है वो जानना चाहता कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। उसमें आपको बता दूं कि उसका नाम हाकम दीन था और प्रशासन ने बताया था कि उसकी उम्र जो है वो 45 वर्ष है, रहने वाला बंदराई का है और डिस्ट्रिक्ट राजौरी का ये रहने वाला था। लेकिन आज जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से ये फोटो वायरल हो रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वही हाकम दीन है और जो कसूरवार था, जिन्होंने जो है वो पिछले 9 जून को आतंकवादी हमला जब हुआ था तो उन आतंकवादियों को पनाह दी थी, उनकी मदद की थी, खाने से लेकर रहने तक की जो है वो सुविधा प्रदान की थी और मात्र 6,000 रुपए के लिए निर्दोष लोगों को मरवा दिया। जो लोग भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अपने अपने घरों की ओर जो लौट रहे थे, जानकी शिवखोड़ी में दर्शन किए उसके बाद वो कटरा की ओर लौट रहे थे, कटरा से जो है वो अपने अपनी ट्रेनों या अपने अपनी गाड़ियों में अपने अपने शहरों की ओर जो है वो जाने वाले थे। लेकिन आपको बता दूं कि दुखद रहा, कंडे में दांत लगाए बैठे हुए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसमें 41 से 42 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 9 लोगों की जान चले गई थी और उसमें वही शख्स जो है वो बताया जा रहा है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, प्रशासन की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये वही व्यक्ति है, लेकिन उसमें नकाब जो है वो पहना हुआ था। आपने भी देखा था कि मीडिया पे जो है वो काफी वीडियो जो है वो वायरल हो रहे थे और SSP मोहिता शर्मा को सलूट करेंगे क्योंकि काफी जद्दोजहद करने के बाद इस व्यक्ति तक जो है वो प्रशासन पहुंचा था। लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के प्रयास से ये पता चल पाया कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति था, बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आतंकवादियों को पनाह दी, अपने घर पे रखा और पूरा खाने से लेकर रहने तक का और किस तरह से कब गाड़ी आएगी पूरा जो है वो उन आतंकवादियों का साथ दिया और गाइड बना और मात्र 6,000 रुपए के लिए निर्दोष लोगों की जान जो है वो ले ली। आपको मैं बता दूंगी, अब जो है वो आपने देखा कि डोडा में भी जो है वो आतंकवादियों का द्वारा हमला किया गया था, जहां पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बताया जा रहा है कि 5 और 6 लोग जो है वो घायल हुए थे। आज उन्हें भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि ये लोग जो है वो रहते तो हमारे देश में है, हमारे देश कहते तो हमारे देश के हैं, खाना पीना जहाँ का है, राशन भी जहाँ पर खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, जिसकी पहचान मुदस्सर, सजाद और अली, ये तीनों व्यक्तियों को जो है वो डोडा पुलिस ने हिरासत में लिया है। और ये व्यक्ति जो आपने तस्वीरों में देखा, जहाँ पर रणसु शिवखोड़ी में आतंकवादी जो है वो हमला हुआ था और उसमें ये व्यक्ति जो है वो बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है और इसकी उम्र जो है वो 45 वर्ष है, लेकिन ये आज सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो जो है और फोटो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां भी आप देखेंगे ये इस व्यक्ति का नाम आ रहा है और ये व्यक्ति जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और बता दूं मैं आपको कि इसमें इसे जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसे अभी आगे की जांच जो है वो पुलिस जो है वो कर रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय।